वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जी स्वागत करता जी ताडे एक नवे व्लॉग दे विच। अज जड़े थां ते असी पहुंचे हां, एक गुरुद्वारा साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे जन्म स्थान गुर की वटाली है। एक गुरुद्वारा साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ते श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरण छो प्राप्त है जी। एक गुरुद्वारा साहब अमृतसर तो तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर है। आओ तुहानू गुरुद्वारे साहब जी के दर्शन भी कराने हाँ, ते नाल ही नाल इतिहास बारे भी जाणू कराने हाँ। गुर के वडाली साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ग्रह ते माता गंगा जी पावन कुखों 12 जून 1595 ईस्वी नू श्री हरगोबिंद साहब जी ने अवतार धारिया। ये जन्म स्थान भोरा साहब के रूप में सुशोभित है। गुरु साहब जी ने जदों गुरु साहब जी के जन्म दियां बड़िया खुशियां मनाई गई, तो गुरु अर्जन देव जी के वड्डे भरा पृथ्वी चंद ते उहदी धर्म पत्नी करबो नू बालक के जन्म का पता लगा ते वह बहुत ही दुखी होए। पृथ्वी चंद की घरवाली ने एक दाई नू बालक नू खत्म करने वास्ते पैसे दे के गुर की वडाली साहब भेजा। जदों गुर की वडाली साहब और दाई आई तो माता जी नू मिली, बालक नू गोद विच लिया के प्यार कर लगी। माता जी ने कहा कि बच्चे की सेहत कुछ ठीक नहीं है, भावे दुध नहीं पी रहे। उसने कहा जी ये मेरा दुध जरूर पीणगे। कोई जहरीला पदार्थ लगा के जदों हरगोबिंद साहब जी ने दुध पिला लगी तो बेहोश हो के धरती हेठा डिग पई। जदों होश विच आई तो पछताई होई ने पृथ्वी चंद ते करमो दा सारा काम श्री गुरु अर्जन देव जी ने दसिया। दूसरी बार जदों हरगोबिंद साहब जी ने ख़त्म करने वास्ते एक ब्राह्मण जो कि एक खिडावा सी उसनू 500 मोहरां ते बहुत सारे वस्त्र दे के ब्राह्मण नू बालक नू दही विच जहर पा के खवाउण वास्ते कहा। जदों जहर पा के दही विच गुरु हरगोबिंद साहब जी नू खवाउण लगा तां गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ना कर दित्ती। बार बार उस ब्राह्मण के कहने ते जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी ना कर दे रहे तो गुरु अर्जन देव जी ने लागे खड़े एक कुत्ते नूं ए दही खवाउण वास्ते कहा। जदों दही उस कुत्ते ने छकिया तो वह कुत्ते उत्थे ही खत्म हो गया तो जन्म मरण के गेट तो छुटकारा पा लिया। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उस बारे उस ब्राह्मण को पूछा तो यह समझ देने लगी कि यह सारा कुछ किया पृथ्वी चंद का ही है। पृथ्वी चंद नित नवी व्यौंता बना कि गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कैसे खत्म किया जाए। कुछ समा बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी खेड रहे सन कि एक सपेरा पृथ्वी चंद का भेजा एक जहरीला सप्प लै के गुरु की वडाली विच आया। इकला देख गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दे लागे उसने सप्प नूं छड्ड दिता। जदों सप्प गुरु साहब जी दे लागे आया तो गुरु साहब जी ने उसनूं फड़ के जमीन ते रगड़ रगड़ के ख़त्म कर दिता। ये दृश्य माता गंगा जी ने देखिया तो बहुत ही हैरान हुए तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं जाके दस्या। सो पृथ्वी चंद भावें गुरु साहब जी का वड्डा भरा सी पर उन्हां दे प्रति बड़ी ईरखा रखता सी। इह सीगा इस गुरुद्वारे साहब जी का इतिहास। तो कृपा करो इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। मेरे वल्लों छोटा जिहा उपराला, जे तुहानूं चंगा लगा होए वीडियो नूं लाइक जरूर करो ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो तां कि मैं सिख इतिहास दा जुड़े गुरुद्वारे गुरुधामां दा तुहानूं दर्शन करा सकां। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।